हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? बढ़िया बेटा चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स। और सबसे पहले आप सब्जेक्ट का नाम लिखो। क्या नाम है हमारा सब्जेक्ट का? हाँ नहीं, अकाउंट्स तो आप कहते हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना बात? ये हमारा है पेपर नंबर वन, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर हमारा वन। अब सर इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? देखो आज पहली क्लास के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोर्स कंटेंट, मतलब हमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं। ये पहले इंट्रोडक्शन में अगर आपको बेसिक में क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने दिया है चैप्टर चैप्टर नंबर वन। हाँ, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन है हमारे पास थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप कहेंगे सर इसमें क्या पढ़ना है? बेटा इसके अंदर नाम जरूर है चैप्टर नंबर वन, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स उन्होंने कवर की हैं। और बेसिकली वो यूनिट्स हैं जो आप पहले कभी 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में कुछ थ्योरी जो पढ़ के आए हैं, वो सारी थ्योरी इन्होंने आपको कवर कर रखी है चैप्टर नंबर वन में। जैसे यूनिट नंबर वन, यूनिट वन उसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। यूनिट नंबर टू आप कहेंगे सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटा पढ़ तो चुके हो, दोबारा पढ़ना है जैसे इंस्टीट्यूट चाहता है उस तरीके से, वो सारी कवरेज करते हुए। दूसरा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये आप कवर करेंगे यूनिट नंबर टू। ये चैप्टर नंबर वन के अंदर ही कवर्ड हैं। हाँ बेटा, बहुत सारी यूनिट हैं, 9 यूनिट इन्होंने चैप्टर नंबर वन में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में दी हैं। हाँ बस जान लें आप पहली क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं तो जरा आपको पता रहे कि क्या रहेगा। तीसरा अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज, अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज में मतलब वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग फिर इसके बाद है यूनिट नंबर फोर। सर यूनिट नंबर फोर में कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स पढ़ रखा है ना ये सब चीजें पहले भी। भाई मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे आपने गोइंग कंसर्न, मैचिंग, प्रूडेंस ये सब याद आ रहे होंगे, वो सब पढ़ोगे। अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज में वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग मतलब एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं, वो सारी वर्ड मीनिंग इसके अंदर हम कवर करेंगे। और जो बच्चे हमारे नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि हमने अपनी क्लासेस के अंदर ये सब कुछ चीज़ें कवर करनी है, बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करनी है। जो बच्चे पहले ही 11th 12th में पढ़े हुए हैं उनको तो ये लग रहा होगा सर ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे, और आपको जो लग रहा है वो नॉन कॉमर्स वालों के लिए बेस क्लियर करने के लिए, देख लो आपको क्लियर हो जाता है कि सर सारा सब कुछ अगर वो पढ़ेंगे तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं। बिल्कुल भी, बिल्कुल सही, आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर सब चीज़ों को दोबारा से और ढंग से कवर करना है। अच्छा, कॉन्टिंजेंट एसेट्स, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, ये आपका एक अलग यूनिट रहेगी। एसेट्स और लाइबिलिटी इसमें सीखेंगे, कॉन्टिंजेंट एसेट लाइबिलिटी क्या होती है, उनका डिस्क्लोजर कैसे होता है, अकाउंट्स की अकाउंटिंग बुक्स में कैसे कब दिखाना है, ये सारी वर्किंग अगर हम इसमें कवर करेंगे बेटा। फिर इसके बाद है अकाउंटिंग पॉलिसीज,
अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती हैं, इनका डिस्क्लोजर कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, फॉलो करें तो क्या डिस्क्लोजर करना है, फॉलो ना करें तो क्या डिस्क्लोजर है, बहुत कुछ चीजें। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 7 अकाउंटिंग, मेजरमेंट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अब वैल्यूएशन प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे स्टॉक को वैल्यूड करते हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आप, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पढ़ेंगे जब इस चैप्टर के अंदर पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, उनका अकाउंट्स में क्या यूज है, लेकिन आप अक्सर फॉलो तो करते ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। अब आती है हमारे पास यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के आए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इंडिया के अंदर इशू करता है, ICAI इशू करती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर किन चीज़ों को रखा गया है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनका फ्रेमवर्क क्या है, उनकी बेसिक बेसिक नॉलेज आपके यहाँ रखी गई है। यूनिट नंबर 9 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेटा ये दोनों यूनिट भी हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं। बस बस खत्म, यूनिट नंबर 9 पे आकर के ये हमारा चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कवर हो जाता है। सर ये कितने मार्क्स का है? बेटा मार्क्स की बात करें तो वैसे टोटल थियोरी जो आती है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो एक 12 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स हमारे कवर होते हैं। वो कुछ पार्ट यहाँ से भी कवर होता है, कुछ चैप्टर्स अदर चैप्टर जो मैं बताऊंगा वहां से भी कवर होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल मिला के अप्रॉक्स आप लगा के चलिए 21 मार्क्स की थ्योरी भी होती है, ठीक है ना। तो थ्योरी वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि इग्नोर करें, हमें पूरा क्लास के अंदर बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर टू। सर चैप्टर नंबर 2 किस चीज का है? बेटा नाम तो उन्होंने रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटिंग प्रोसेस आप जानते हैं उसके अंदर सर वहाँ जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंस निकालना, ट्रायल बैलेंस बनाना, सब्सिडरी बुक्स वगैरह, ये सब कुछ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब कुछ कवर होता है, ठीक है। तो इसमें वैसे चैप्टर में आपको बता दूँ इसमें क्या क्या उन्होंने यूनिट के नाम से रखा है। यूनिट नंबर वन किस चीज की है? बेसिक अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ बेसिस अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, और उसमें भी क्या चीज पढ़ेंगे आप? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, यूनिट नंबर 2। सर यूनिट नंबर 2 में इसके बाद पढ़ेंगे आप लेजर, फिर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में ट्रायल बैलेंस, फिर यूनिट नंबर 4 ट्रायल बैलेंस के बाद सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये सारी चीजें जो, हाँ, जब आप सब कुछ बेसिक में पढ़ के आए हैं, ये सारी चीजें अब आपको दोबारा से कवर करनी है। चलो और देखो यूनिट नंबर 5 कैश बुक, यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद आया? ये चैप्टर भी आपने पढ़ रखा है, हाँ, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है ना। तो देखो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, इसमें कवर करनी है आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर, जर्नल के बाद आप लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, फिर बैलेंस निकालते हैं तो उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आप बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारी बुक्स वगैरह बनाना, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये हमारे पास कवर हो गया चैप्टर नंबर 2 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। यस, बच्चे सोच रहे, कह रहे सर एक एक चैप्टर
में इतनी सारी यूनिट्स हैं? यस, यूनिट्स तो हैं इतनी सारी, लेकिन सभी चैप्टर्स में नहीं है, कुछ चैप्टर में। अब जैसे चैप्टर नंबर थ्री देखो, चैप्टर नंबर थ्री, तो सर चैप्टर नंबर थ्री किस चीज का है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कुछ याद आया? कैशबुक पासबुक हुआ करती थी, कैशबुक का बैलेंस दिया है, पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाते थे, पासबुक का बैलेंस दिया है, कैशबुक के बैलेंस पे पहुंचते थे। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री में। फिर आता है चैप्टर नंबर फोर, इन्वेंट्रीज के नाम से। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या पढ़ेंगे आप? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। जैसे आप पढ़ते थे ना एक 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट, आपको कुछ याद हो तो फाइनल अकाउंट के अंदर अगर आप याद करके देखो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ स्टॉक गिवन होता था ना। तो वो जो स्टॉक गिवन होता था आपको, वो स्टॉक कहाँ से आता है, उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, तो ये सारी वर्किंग आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर आपको देखनी पड़ती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। हाँ, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव। अब बेटा चैप्टर नंबर फाइव किस चीज़ का है? तो लिखो चैप्टर नंबर फाइव आपके डेप्रिसिएशन के लिए कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें पढ़ोगे आप डेप्रिसिएशन के मेथड, कैसे कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी अकाउंटिंग के कौन से मेथड हैं, जनरल एंट्री कैसे कैसे बन सकती है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, चैप्टर सारे ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। फाउंडेशन है ना, तो फाउंडेशन का मतलब यहाँ पर आपको अकाउंट्स का पूरा का पूरा फाउंडेशन पार्ट कवर कराया जा रहा है। अब जैसे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर सिक्स, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस। अब इसके अंदर फिर उन्होंने फर्दर यूनिट्स दिए। यूनिट नंबर वन, बिल ऑफ एक्सचेंज, पढ़ रखा है पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने पढ़ रखा है, आपने 11th स्टैंडर्ड में बिल ऑफ एक्सचेंज डेफिनेटली पढ़ा होगा, एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ये चैप्टर आपका यूनिट नंबर वन में रखा गया है। फिर आता है यूनिट नंबर टू, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, और रिटर्न बेसिस। यूनिट नंबर थ्री, कंसाइनमेंट। देखो एक बात समझो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो जिसके अंदर, जैसे अगर मान लो हमने राम को गुड्स बेचे, फिर उसने कहा कि भाई मैं 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया रिटर्न डॉक्यूमेंट और उससे साइन करा लिया, हाँ वो BRBP, ये सब कुछ आपको पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग भी पढ़ोगे, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो सकता है कि ये नहीं पढ़ा हो, उसमें आपके पास बिल जो पढ़ते थे आप, तो उसमें एक्मोडेशन ऑफ बिल का पार्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग भी है, एक्मोडेशन ऑफ बिल का पार्ट पढ़ेंगे जब बताऊंगा एक्मोडेशन ऑफ बिल क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसमें एंट्रीज क्या होती हैं, वो सारी वर्किंग कवर करेंगे। एक आता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इसमें क्या करोगे आप? आपको कुछ पता हो कि भाई सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में, जैसे मान लो आपने अमेजोन से गुड्स मंगाए, अब गुड्स सही नहीं है तो हो सकता है 7 दिन के अंदर आपको गुड्स वापस करने पड़ जाएं। तो इस तरह की कुछ सेल परचेज होती है ना मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब आपने कस्टमर को गुड्स दिए, उसे कहा कि भाई आप इसे यूज़ करो और आपको पसंद नहीं आते तो आप गुड्स वापस कर देना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, सेल की एंट्री कब बुक करें, आ गई ना प्रॉब्लम। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं और उनकी अकाउंटिंग के कितने मेथड हैं,
वो मेथड पढ़ेंगे, हर मेथड के अंदर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो सारा पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। ये हमारा चैप्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का। नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट। तो बेटा कंसाइनमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंसाइनमेंट के अंदर यहाँ पर ये पढ़ोगे आप, जैसे मान लो मैं दिल्ली के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, ये गुड्स दिख रहे हैं आपको, ये पेन दिख रहा है, ये पेन की मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और सेल कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर अच्छी खासी सेल हो रही है इसकी, कस्टमर भी है, मार्केट में सेल भी हो रही है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरा गुड्स जो है वो मुंबई मार्केट के अंदर भी बिके, तो मैंने मुंबई के अंदर एक शोरूम में गया और वहाँ जाकर के उस शोरूम के ओनर से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ये मेरे प्रोडक्ट रख लो और आपकी शॉप पे तो कस्टमर आता ही है, आप ये प्रोडक्ट भी बेचना, कस्टमर को दिखाओ, इसके फीचर्स मैंने बता दिए उन्हें और इसका प्राइस वगैरह सब डिसाइड करके दे दिया। अब वो सामने वाला पर्सन ये कह रहा है भाई मैं हम क्यों करें ये काम, हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हमने कहा तुम्हें कमीशन देंगे हम, तो समझ में आई, हमने सामने वाले को एजेंट बना लिया। तो इसका मतलब एजेंट के थ्रू जब आप गुड्स की सेल करेंगे तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये आपको इस चैप्टर में सिखाया जाता है। कौन से चैप्टर में, कंसाइनमेंट में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, नहीं रखा उसका नाम उन्होंने, इतनी यूनिट का सब कवर कर लोगे ना तो मतलब कहने के लिए एक चैप्टर कवर होगा, कौन सा, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। लेकिन इसके अंदर अलग अलग जो यूनिट बनी हुई है उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और लिखो यूनिट नंबर 5, एवरेज ड्यू डेट। सर ये क्या चैप्टर है, एवरेज ड्यू डेट? बेटा यहाँ पर आप पढ़ोगे जैसे बहुत सी ड्यू डेट्स हैं, मैंने आपको गुड्स बेचे, आज बेचे, 10 दिन बाद बेचे, 20 दिन बाद बेचे, 30 दिन बाद बेचे, इस तरह से मैंने कई बार आपको गुड्स अलग अलग डेट पे बेचे, तो आप अलग अलग डेट पे पेमेंट भी करोगे, लेकिन आप पेमेंट करना चाहते हो एक सिंगल डेट पे सारे, हाँ सारे जितने भी मैंने अमाउंट आपको गुड्स बेचे थे उन सारे अमाउंट की एक सिंगल पेमेंट एक डेट पर करना चाहते हो, वो डेट कौन सी होगी? वो डेट इस तरह की कि ना तो आपका ब्याज का नुकसान हो ना मेरा ब्याज का नुकसान हो, तो ऐसा एक डेट हम कैलकुलेट करनी सीखेंगे। कौन से चैप्टर में, एवरेज ड्यू डेट। हाँ लोन ले लिया, मान लो मैंने लोन ले लिया उसकी किश्तों में पेमेंट करूंगा, मैंने कहा भाई 10 लाख का लोन ले लिया, 2-2 लाख रुपए करके मैं 5 बार पेमेंट करूंगा, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं एक पेमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे सारी पेमेंट कर दूँ, तो एक पर्टिकुलर डेट पे अगर मैं सभी पेमेंट करना चाहता हूँ इस तरह से कि जिससे कि सामने वाले पर्सन का भी नुकसान ना हो, भाई उसने लोन दिया है तो उसको ब्याज तो मिलना चाहिए, और मेरा भी ब्याज का नुकसान ना हो, ब्याज जितना बनता है उतना ही ब्याज बनेगा, लेकिन एक डेट पर एक सिंगल पेमेंट निकालो और उस पर ब्याज भी उतना ही बने, ऐसी ड्यू डेट निकालना, वो आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। फिर एक चैप्टर आता है हमारा यूनिट नंबर 5, सर एंड नहीं हो रहा इस यूनिट का, अरे बस लास्ट है, लास्ट खत्म हो रहा है, ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा। इसमें लिखो आप अकाउंट करंट। सर अकाउंट करंट क्या, इसमें एक रनिंग स्टेटमेंट बनेगी, जैसे मान लो मैं आपको गुड्स बेचता हूँ, आप मेरे को धीरे धीरे करके पेमेंट करते हैं, मैं गुड्स बनाता हूँ और आगे बेचता हूँ आपको, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने 10 लाख रुपए के गुड्स आपको बेच दिए तो मेरा पैसा लग गया बिजनेस में, और फिर आपने धीरे धीरे पेमेंट करी, कभी 2 लाख की, कभी 1 लाख की, कभी 5 लाख की, तो ये आपका पैसा लगा हुआ है, तो हम एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनल सेटलमेंट एक निकाल लेंगे कि भाई आपने मेरे को कितना पैसा देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मेरे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर ब्याज कैलकुलेट होगा, आपकी भी हर ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट होगा ब्याज, जिस डेट पे स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं अकाउंट करंट, जिसके अंदर पैसे का लेन देन करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, आज तक ब्याज के साथ कितना पैसा बनता है। फिर आ जाइए आप चैप्टर नंबर 7। हाँ बस बेटा 10 चैप्टर हैं टोटल, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6। अब आइए आप चैप्टर नंबर 7 पे, लिखो आप हेडिंग लिखो, फिर उसके बाद समझते हैं क्या है ये, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स।
सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स, इसमें दो यूनिट हैं। फाइनल अकाउंट का टॉपिक याद है ना? ये वही है, फाइनल अकाउंट का टॉपिक पढ़ना है आपने, यूनिट नंबर वन। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मतलब एक होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, एक होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैं मान लो ये पेन, बना बनाया पेन खरीदता हूँ और आगे बेच देता हूँ। मैं बना बनाया पेन खरीदता हूँ और आगे बेच देता हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर। और अगर मैं पेन बनाता हूँ फिर बेचता हूँ, जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैं पेन बनाता हूं और फिर आगे बेचता हूं, तो ये कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब समझो पार्टनरशिप के अंदर, हाँ ये पार्टनरशिप वही पार्टनरशिप जो आप पहले भी पढ़ते आए हैं, यूनिट नंबर वन, ट्वेल्थ में पढ़ी थी, ट्वेल्थ में पढ़ी थी ना, तो वही पार्टनरशिप फिर दोबारा पढ़नी है आपने। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट टू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप देखो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर तो याद हो ना आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बेसिक फंडामेंटल, जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, हाँ वो सब चीजें, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स में। यूनिट नंबर टू में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब आप जानते हैं कि गुडविल की ट्रीटमेंट होगी, तो एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, चेंज इन पीएसआर के समय, डेथ ऑफ पार्टनर के समय क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी, मतलब किस तरह से हम उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट करेंगे, वो सारी वर्किंग यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद लिखो यूनिट नंबर थ्री, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि एक नया पार्टनर जब एडमिट होता है फर्म के अंदर, तो उस समय अकाउंटिंग क्या की जाएगी, उस समय डेबिट क्रेडिट क्या किया जाएगा, कैसे एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, कैसे लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होगा, क्या कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ये सारा पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। फोर्थ लिखिए यूनिट नंबर फोर, रिटायरमेंट, ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रिटायर हो जाए, तो रिटायरमेंट के समय उसके अकाउंट की सेटलमेंट कैसे करेंगे, उसका लोन अकाउंट कैसे ट्रीट करेंगे, लोन में पैसा ट्रांसफर कर दें, या उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे, ये सारा पार्ट हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में पढ़ लेंगे। सॉरी, फिर इसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी बेटा, समझो डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के समय उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उनके अकाउंट के अंदर सेटलमेंट कैसे करेंगे, हम किस तरह से उनकी पेमेंट करेंगे, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर ये चीज कवर की जाएगी। और अगर उनकी पेमेंट नहीं कर पाते, उनके एग्जीक्यूटर की पेमेंट नहीं कर पाते, तो उनके बैलेंस को लोन ट्रीट करोगे। और फिर यहाँ पर आप और नई चीजें भी पढ़ोगे जो आपने 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी हो, सेक्शन 37, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर,
इसके अलावा यहाँ पर आप और भी नई चीजें पार्टनरशिप के अंदर बढ़ेंगे, और डेथ ऑफ पार्टनर के समय पे तो खास तौर पे पैसे तो पूरी पार्टनरशिप में आती है वो चीज। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, वो पार्ट भी हमें इसमें कवर करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है ये, एनपीओ के नाम से आप जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, वो सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग, इस तरह से बच्चा जानता है। तो शायद अब याद आ गया हो आपको कि भाई वो चैप्टर भी हमें इसमें कवर करना है। हाँ, सिलेबस का पार्ट है सर, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बिल्कुल। 11th का पूरा सिलेबस आ गया, 12th का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका आ गया, और नए टॉपिक्स भी दिख रहे हैं, नए नए चैप्टर भी दिख रहे हैं। ये लो, लास्ट है अब, कोई बात नहीं, ख़त्म। कंपनी अकाउंट्स, ओहो सर यही कमी रह गई थी, यस, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ यूनिट रखी है, अरे लो इसमें भी यूनिट, हाँ, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, यूनिट नंबर 2। अरे इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स में कंपनी के टाइप्स, कंपनी के टाइप्स के अलावा टाइप ऑफ शेयर, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर रखी गई हैं। लेकिन इसमें आपकी मेन यूनिट जैसे इशू, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यस, दोबारा पढ़ना है आपने, ये पूरा का पूरा पार्ट आपने दोबारा कवर करना है। और फिर आता है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में इशू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब आप जानते हैं कि कंपनी जब फंड्स रेस करती है, तो कंपनी जब फंड्स रेस करेगी, या तो शेयर इशू करेगी, या फिर कंपनी लोन लेगी, लोन लेगी तो इसका मतलब डिबेंचर्स इशू करेगी। तो या तो शेयर इशू करें या फिर डिबेंचर इशू करें, इस तरह से कंपनी फंड्स रेस कर सकती है। लेकिन शेयर के केस के अंदर आप जानते हैं, अगर शेयर की पेमेंट ना करे शेयर होल्डर, तो कंपनी उनके शेयर फॉरफिट कर लेती है, और फॉरफिट करने के बाद आगे रीइशू भी कर देती है। तो ये सारा पार्ट हमारा यहाँ पर कवर होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। ये पहले आज मैंने आपको सिर्फ आपके कोर्स इंट्रोडक्शन, कोर्स में क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये सारी आपको नॉलेज दी है। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके बेटा, बाय।